आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाते हैं इंडस्ट्री और स्टारों के बीच चल रही हर हलचल भरी खबरों से। और आज भी हाँ वैसे ही कुछ हलचल भरी खबरें आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिनमें पहली खबर जुड़ी है इंडस्ट्री की हॉट केक कप केक अंजना सिंह से। हॉट केक कप केक तो ऐसे कहते हैं जैसे अंजना सिंह सो को सब खा ही लेंगे, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट तो है नहीं, और स्वादिष्ट है या नहीं ये किसी और को नहीं पता होगा। फिलहाल ये कलाकारी बहुत अच्छी करती हैं, और आप लोग बहुत जल्दी काजल के बाद अब अंजना को भी बुलेट और बाइक चलाते देखने वाले हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म बुलेट रानी में पहली बार दबंग किरदार में ये रानी नजर आएंगी, जो बड़े बड़े दबंगों के पसीने भी छुटवाएंगी। लेकिन फिल्म कब रिलीज होगी इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है, क्योंकि इस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग ही सिर्फ पूरी हो पाई है। सुनने में आया है कि इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग अभी भी बाकी है। तो अंजना कब करती हैं अपनी इस फिल्म की शूटिंग को पूरी और कब दर्शकों के इंतजार को करती हैं खत्म, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए अंजना सिंह से जुड़ी और उनकी फिल्म बुलेट रानी से जुड़ी एक खास खबर, वो भी बुलेट वाली। देखिए, आजकल भोजपुरी के एक्ट्रेस लोग अलग ही अंदाज में नजर आ रहल बा लोग, और फिल्म कुली में ऐसन रोल में नजर आ रहल बा लोग जौन की पहले कोनो पुराना फिल्म में ना देखे के मिली। बता दी ही जैसन की रोवा सभी जानते बानी कि अभी हाल ही में भोजपुरी के फिल्म भौजी पटनिया के ट्रेलर रिलीज होखल रहे, जेकरा में काजल राघवानी एक्शन करत नजर आ रहल बड़ी, अब बाइक पर भी खूब एक्शन कैले बड़ी। अभी हाल ही में एगो और ऐसा खबर देखे के मिल रहल बा। बता दी कि भोजपुरी के हॉट केक कहे जाए वाली एक्ट्रेस अंजना सिंह बाइक चलावत नजर आ रहल बड़ी, और उनकर ई फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहल बा। अभी ए फिल्म के नाम तो नहीं के खुल के सामने आई, लेकिन अंदाजा लगावल जा रहा बा कि उनकर आवे वाला फिल्म मुन्ना मवाली में वो बाइक पर फर्राटा भरत नजर रही हैं, जेकरा में अंजना काफी हॉट लग रहल बड़ी। अब बता दी कि अंजना के आवे वाला ए फिल्म में वो प्रमोद प्रेमी के संगे लीड रोल में नजर रही हैं, साथ में उनका पूनम दुबे यानी कि भोजपुरी की हॉट एक्ट्रेस कहे जाए वाली अपना हॉट फिगर के खातिर जाने जाए वाली पूनम दुबे भी नजर रही हैं। इन्हीं तीनों के केमिस्ट्री दर्शक लोग के काफी ज्यादा पसंद आई। अगली जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जुड़ी है अरविंद अकेला कल्लू से, जो युवा स्टार कहे जाते हैं इंडस्ट्री के। लेकिन युवा स्टार कब तक कहे जाएंगे भला, हर उम्र की एक सीमा होती है और युवा होने की भी एक सीमा है। लेकिन युवा भी हुए हैं तो जाहिर सी बात है 10 साल तो कम से कम जवान ही रहेंगे जब तक शादी नहीं कर लेते। वेल, कल्लू की फिल्म आवारा बलम का ट्रेलर यूट्यूब पर एक अच्छा रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर इस फिल्म के ट्रेलर को खूब देखा जा रहा है। तो चलिए जरा नजर डालते हैं कि कितने लोगों ने इस फिल्म को अभी तक देखा है यूट्यूब पर। लेकिन उससे पहले बता दें कि आवारा बलम का ट्रेलर और जो गाने हिट हो रहे हैं वो इस फिल्म के किसिंग सीन की सुर्खियों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि प्रियंका पंडित ने एक बार कल्लू के साथ किसिंग सीन क्या दिया, हर तरफ इसी किसिंग सीन की चर्चा है। और उम्मीद है प्रियंका को अगली फिल्म में भी ऐसे ही कुछ ऑफर मिलेंगे। तो अभी तो वो फिल्म मेकर्स पे गुस्सा हो गई हैं, लेकिन अगली फिल्म में वो ऐसे रोल करती हैं या नहीं ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन फिलहाल इस गाने और फिल्म के ट्रेलर को कितने व्यूज मिले हैं इस पर डालते हैं एक नज़र। देखिए, आजकल भोजपुरी के युवा एक्टर अरविंद अकेला कल्लू अपना आवे वाला फिल्म आवारा बलम के ट्रेलर के लेके काफी चर्चा में बढ़े। अभी हाल ही में उनकर ए फिल्म से जुड़ल एगो खास खबर आ रहल बा, जैसन की रुआ सभी जानते बानी कि अभी कुछ समय पहले ही उनकर फिल्म आवारा बलम के ट्रेलर रिलीज कैल गेल रहे। अब तक ले एकरा भोजपुरी के वेब म्यूजिक यूट्यूब के चैनल पर 12,71,263 व्यूज मिल चुकल बा, और एकर व्यूज काफी ज्यादा तेजी से बढ़ल जा रहल बा। रुआ सभी के बता दी कि अगर निर्माता निशांत झा ये बात से काफी खुश बढ़े आए, ये फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू प्रियंका पंडित के साथ काफी जबरदस्त रोमांस करत नजर आ रहल बड़े। आ ये फिल्म में रवा सब के कल्लू के काफी जबरदस्त एक्शन भी देखे के मिली। आ ये ट्रेलर के जबरदस्त सफलता के देख के ये अनुमान लगावल जा रहल बा कि फिल्म काफी हिट होखे वाला भी आ। ऐसे आजकल कल्लू के दर्शक लोग काफी पसंद कर रहल बड़े, आ कल्लू भी समय समय पर अपना दर्शक लोग खातिर कुछ ना कुछ नया लेके आवेले, और हमेशा कोनो ना कोनो एल्बम के लेके चर्चा में बनल रहेले। ऐसा कहा जाता है कि लड़कों की शादी उनकी बर्बादी का सबब है,
ऐसे बोलकर लोग अक्सर एक दूसरे से चुटकियां लिया करते हैं, लेकिन भोजपुरी के खलनायक देव सिंह को तो यहाँ शादी करना सफल ही हो गया है और उनकी शादी करना उन्हें फायदेमंद भी हो गया है, क्योंकि अपनी इस शादी से वो चर्चाओं में जो आ गए हैं। देव सिंह की शादी तो हो गई है, लेकिन शादी के तुरंत बाद वो अखाड़े में भी उतर आए हैं। यह अखाड़ा उनके घर का अखाड़ा नहीं है, बल्कि फिल्म का अखाड़ा है। अखाड़ा सुनकर आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो अपनी बीवी के साथ अखाड़े में उतर आए हैं शादी के तुरंत बाद, क्योंकि वो अपनी अपकमिंग फिल्म में अखाड़े में लड़ते हुए दिखाई देंगे। फिल्म के कुछ जानकारी और देव सिंह की शादी से जुड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भोजपुरी के खलनायक देव सिंह की जो नज़दीकियां हैं वो अवधेश मिश्रा से पहली बार उनकी शादी में देखने को मिली। एकदम आप बड़े भाई कह लें, बाप कह लें, या फिर बहुत करीबी दोस्त कह लें, अवधेश मिश्रा हमेशा देव सिंह के साथ थे। और ऐसा सुनने में आया है कि अवधेश मिश्रा ने ही देव सिंह के लिए उनकी पत्नी को चुना है और उनके घर वालों ने मिलकर। तो हम देव सिंह से जुड़ी ही और उनकी फिल्म से जुड़ी एक खास खबर आपको बताने जा रहे हैं, देखिए। अभी हाल ही में भोजपुरी के मशहूर अभिनेता, भोजपुरी के दमदार विलन कहे जाए वाले देव सिंह के शादी के काफी चर्चा रहे। आए दौरान भोजपुरी के कई गो स्टार लोग उनका शादी में शिरकत कई ले, खूब धूम भी मचेले लोग। कई गो स्टार लोग उनका शादी में अपना सुर भी बिखेर ले लोग, और लोगन के ये बात काफी पसंद आई। खैर, शादी भी धूमधाम से काफी संपन्न हो गई। आ ए समय उनका एगो फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बा, जेकरा में वो अखाड़ा में दिखाई दे रहा बड़े। उनका संग एगो हिंदी के भी अभिनेता मौजूद बड़े और दोनों लोग काफी खुश नजर आ रहा बा लोग। अब बता दी कि देव शादी के बाद एक बार फिर से अपन फिल्मी दुनिया में लौट आई बड़े। अपन आए वाली फिल्म स्पेशल एनकाउंटर में नजर आई है, साथ में भोजपुरी के फेयर लवली गर्ल कहे जाए वाली एक्ट्रेस रितु सिंह भी नजर आई है। बता दी कि ये फिल्म में रितु एगो इंस्पेक्टर के रोल में जबरदस्त एक्शन करत नजर आई हैं। देव सिंह भी ये फिल्म में काफी दमदार रोल करत नजर आए वाला बाड़े, लेकिन उनका रोल का वह ये फिल्म में अभी एक बात के खुलासा नहीं है भइल। आज जैसे ही ये फिल्म से जुड़ल कोनो खबर आ रहल बा, तरुआ सभी तक ये खबर जरूर पहुँचाई जाये। आजकल आप लोग भोजपुरी फिल्मों में हीरो के एक्शन बहुत देख रहे होंगे, यहाँ तक कि फर्स्ट लुक आता है या पोस्टर आता है तो उसमें भी आपको हीरो एकदम गुस्से वाले अवतार में नजर आता है ना। चाहे कल्लू हो, खेसारी हो, पवन सिंह हो या निरहुआ हो, सबके आपने गुस्से वाले रूप जरूर देखे होंगे। लेकिन आजकल हीरो तो हीरो, भोजपुरी हीरोइनों में भी एक्शन कम नहीं है। उनकी काफ़ी सारी फिल्में ऐसी आई हैं जिसमें हीरोइनें भी फुल एक्शन अंदाज में नजर आई हैं और इनको देखना बहुत खतरनाक होता जा रहा है। लोग अब आने वाली फिल्मों में कहीं ऐसा ना हो हीरो की जगह हीरोइनों को ही एक्शन करता हुआ देखें और हीरो ही प्रेमिका बन जाएं हीरोइनों की। खैर, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली होगी कि हीरो हीरोइन दोनों का एक्शन दर्शकों को पसंद आ रहा है और डिमांड भी हीरोइनों की अब उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि आजकल कई सारी फिल्में ऐसी हैं जैसे महिला कह सकते हैं सशक्तिकरण पर महिला बेस्ड वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं जिसमें हीरोइनों का ही काफ़ी काम है और उन्हीं की चलती भी है। तो ये बहुत खुशी होती है कि हीरो के अलावा हीरोइनों के भी फिल्म मेकर्स इतना आगे लेकर आ रहे हैं, उनके लिए फिल्में बना रहे हैं जिसमें वो लीड रोल में हीरो हीरोइन खुद ही हैं। हाल ही में कई सारी फिल्में आपको और भी ऐसे देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल हम हीरोइनों के ऐसे साहस और खुशखबरी से जुड़ी एक खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। आजकल भोजपुरी में ऐसा ऐसा फिल्म कुली बन रहल बाड़ी सन जो उनकी भोजपुरी के कई गो फिल्म कुली के पीछे छोड़ देले बाड़ी सन। बता दी कि ऐसा कौन बात बा जेकरा में भोजपुरी बॉलीवुड के पीछे छोड़ देले बा। आजकल रउआ सभी देखते हो कब कि भोजपुरी के फिल्म गुली में एक्ट्रेस लोग आजकल खूब एक्शन करत नजर आ रहल बा लोग। अब काजल राघवानी के ही देख ली जौन की भोजी पटनिया, जेकरा में काजल एक्शन करत दिखाई दे रहल बाड़ी और साथ ही साथ फर्राटे दर बाइक भी चला रहल बाड़ी। हालांकि एक्शन कर चुकल बाड़ी, अभी हाल ही में अंजना सिंह के भी बाइक पर एगो फोटो तेजी से वायरल हो रहल बा। उससे पहले पूनम दुबे के भी फोटो बाइक पर नजर आयल रहे। रितु सिंह भी एक्शन करत नजर रही अपना आये वाला फिल्म में। दर्शक लोग के आये वाला समय में तमाम ऐसा फिल्म को देखे के मिली जेकरा में एक्ट्रेस लोग एक्शन करत नजर आई है, साथ ही साथ बाइक पर स्टंट भी करत नजर रही है जौन की भोजपुरी के एक्ट्रेस लोग अभी नहीं करत लोग। अगली जो खबर है वो जुड़ी है, अब आप इन्हें लकी अदाकारा कहेंगे या इनकी किस्मत ही लकी है,
ये आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, इन्होंने जिला चंपारण से अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद इनके पास लग गई फिल्मों की लंबी कतारें। पहले ये बता देते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मनी भट्टाचार्य की, जिन्होंने खेसारी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। और खेसारी के साथ करियर की शुरुआत इनको इतना फायदेमंद साबित हुआ कि एक के बाद एक इनके पास फिल्मों की लाइनें ही लग गई। हाल ही में इनकी फिल्म रिलीज हुई है वांटेड, जिसे दर्शकों ने इतना पसंद किया है कि इस फिल्म ने भी कमाई के रिकॉर्ड बना लिए हैं। और सभी तरफ से फिल्म को की सफलता के लिए इन्हें बधाइयाँ भी मिल रही हैं। और हो सकता है फिल्म मेकर्स की अगर नज़र पड़ी वांटेड फिल्म की सफलता पर, तो इन्हें फिर से एक बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिले। घूंघट में घोटाला हो या निरहुआ के साथ इनकी जोड़ी अपकमिंग फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। सौगंध फिल्म है, मतलब भोजपुरी के टॉप थ्री के साथ तो इन्होंने काम कर ही लिया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि मनी अगली कौन सी फिल्म में किस स्टार के साथ नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल इनकी वॉन्टेड फिल्म की सफलता से जुड़ी एक खास खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए। भोजपुरी की कई सारी फिल्मों में इन दिनों कमाई का जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वांटेड कुछ दिनों पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। और इसी बीच इस फिल्म के हिट होने की भी खूब सुर्खियां सामने आई हैं। और पसंद इतना ज्यादा किया है कि इस फिल्म की सफलता और कमाई से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आई, जिसे जानने के बाद आप भी थोड़े हैरान हो सकते हैं। दरअसल डायनामिक निर्देशक सुजीत कुमार सिंह की बहुचर्चित फिल्म वांटेड ने पिछले सप्ताह में बिहार झारखंड के छवि ग्रहों में रिलीज किया गया। इस फिल्म ने पूरे बिहार और झारखंड में ऐतिहासिक व्यवसाय भी दर्ज कर लिए हैं। पहले ही सप्ताह में इस फिल्म ने 75 लाख का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया। इस साल का बड़ा और पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो बन चुका है। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगे आने वाली कौन सी फिल्म इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। वेल बता दें कि फिल्म ने बिहार में लगभग 2 दर्जनों से अधिक सेंटरों पर सभी पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किए हैं। सुजीत कुमार सिंह की कुशल निर्देशन का भी दर्शकों द्वारा जमकर तारीफ की जा रही है। फिल्म की सफलता से भी सभी बेहद खुश हैं, इसलिए इस फिल्म के स्टार कास्ट के बीच इन दिनों खुशी का माहौल बना हुआ है। तो ये थी आज भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। चलने का समय हो चुका है, लेकिन अगली बार फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही हलचल भरी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।